सो हेलो एंड नमस्ते दोस्तों। तो जो भी लोग मेरे इस चैनल को फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं या जो मेरे इस चैनल को फर्स्ट टाइम वीडियोस को और वॉच कर रहे हैं, तो उनको बता दूं मैं इस चैनल पे काफ़ी सारे होम से रिलेटेड डेकोर और क्राफ्ट के आइटम बनाती हूं। तो आज के इस वीडियो में भी मैंने कुछ इसी की तरह का वीडियो शेयर किया है, तो इसी के साथ चलते हैं हमारे इस वीडियो की तरफ। और वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो आपके लिए ये वीडियोस बनाते हैं उसमें हमें बहुत मेहनत लगती है, और बहुत सारी मेहनत करने के बाद में एक छोटा सा क्लिप आपके लिए हम इस तरह आपके सामने लेके आते हैं। तो प्लीज़ हमारी इस मेहनत को थोड़ा सपोर्ट करिए। चलो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे आज की इस वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैंने न्यूज़पेपर को ले लिया था, और न्यूज़पेपर के ऐसे पतली पतली स्ट्रिप को कट करके फिर ऐसे हाथ से ही रोल करके मैंने काफ़ी सारी ये इस तरह की स्ट्रिप्स को रेडी कर लिया है। तो इस तरह की स्ट्रिप्स को मैंने बहुत सारी अमाउंट में बना ली है, और पहले से मैंने उस सबको रेडी कर लिया है। उसी के बाद मैं सेकेंड प्रोसेस में मैं ये शादी के कार्ड्स ले रही हूँ। शादी के कार्ड्स मैं यहाँ पर इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि मुझे एक बेस चाहिए जो थोड़ा सा जो नॉर्मल पेपर होता है थोड़ा उससे टफ टाइप में हो, तो इसी के लिए मुझे ये सबसे बेस्ट ऑप्शन दिखा है। और शादी के कार्ड से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस मैंने इस चैनल पे और काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आपने उन सब वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए और उन वीडियोस को भी ज़रूर वॉच करिए। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर फेविकॉल लगाया है, और इन स्टिक को इस तरह मैं यहाँ पे अच्छे से स्टिक कर लूँगी। और फेविकॉल से ही आप इजीली अच्छे से स्टिक कर पाएंगे, और अगर आप ग्लू गन से करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारा उसके अंदर ग्लू गन का बहुत प्रोसेस आपको लंबा पड़ जाएगा। तो सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन है आप फेविकॉल का यूज़ करिए और इस तरह से इस स्टिक को चिपका दीजिए। उसी के बाद मैंने यहाँ पे एक साइड में फेविकॉल से एक लेयर बनाई है, ताकि हम जब इसे सीजर से कट करें, कैची से कट करें, तो जो कट करने के बाद जो स्टिक्स रहेगी उसका हम वापस यूज़ कर सकते हैं इसी तरह की एक और लीफ बनाने के लिए। अगर आप फेविकॉल नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, जैसे ही आप कट करेंगे और ये रोल आपस में पूरा खुल जाएंगे और एक स्टिक के रूप में नहीं रहेंगे, तो फेविकॉल से ये आपस में स्टिक रहेंगे और आप इस तरह से एक दूसरी लीफ्स को भी रेडी कर पाएंगे। तो इस प्रोसेस को आप ज़रूर करिएगा, तभी आप दूसरी लीव्स को बना पाएंगे, नहीं तो आपको बहुत डबल मेहनत लग जाएगी इसके लिए एक और इसी तरह के छोटे छोटे रोल्स तैयार करने में। काफ़ी सारी लीव्स को मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है, तो कुछ इस तरह से कुछ छोटी कुछ बड़ी जो भी शेप आपको चाहिए उस तरह की आप शेप बना सकते हैं और ईजिली इस तरह से रेडी कर सकते हैं। ये सब कुछ हो जाने के बाद में मैंने इसके ऊपर फिर फेविक्रिल का ये जो वाइट कलर है इसे एक कोट कर लिया था और इसे ड्राई होने के लिए रख दिया है। ड्राई होने के बाद में ही मैं दूसरा कलर अप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे मैं चॉक पेंट ले रही हूँ, तो काफ़ी तीन चार शेड मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं, तो जो भी शेड आपको कलर कॉम्बिनेशन चाहिए आप अपने हिसाब से और अपने घर की ज़रूरत के हिसाब से कलर डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे एक लीफ में मैंने तीनों शेड को इस तरह से यूज़ करके और एक पैटर्न बनाया है। के बाद में मुझे यहाँ पे एक वुडन का एक लंबा स्टिक चाहिए था, पर वो मुझे मिला नहीं, तो मैंने ये पीवीसी पाइप मेरे घर पे वेस्ट पड़ा था, तो मैंने सोचा चलिए इसका ही यूज़ कर लेते हैं, और इसी के ऊपर एक ब्राउन और ब्लैक कलर का कोट करके इसको थोड़ा सा वुडन टाइप का टेक्सचर मैंने यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की है। तो कुछ इस तरह का हमने इसका फाइनल लुक किया है। उसी के बाद मैं यहाँ पे एक सेट करके देख रही हूँ कि मुझे कौन सी लीव कहाँ पे सेट करनी है और कैसे लगानी है, तो वो पहले मैंने ऐसे ही एक रफली स्ट्रक्चर को रेडी करके और सेट किया है। उसी के बाद मैं यहाँ पे एक मैक्रमे रोप है उसका यूज़ कर रही हूँ। इसे मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था, तो लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और कुछ इस तरह से कट करके मैं इसको ऐसे ट्विस्ट करे जा रही हूँ। जो लास्ट वाला जो डोरी का है उसको मैं यहाँ पे एक लीव्स के ऊपर जो मास्किंग टेप है उसकी हेल्प से मैं इसको स्टिक कर लूँगी। तो अगर आपने वो प्रोसेस नहीं देखा है तो सेकंड टाइम आप देख लीजिएगा किस तरह से मैं इसको यहाँ पे डोरी को ट्विस्ट कर रही हूँ, और इस लीव्स के ऊपर मैं जो ये मास्किंग टेप है इसे इससे अच्छे से स्टिक कर लूँगी। आप ग्लू गन से भी स्टिक कर सकते हैं, मैंने यहाँ मास्किंग टेप का यूज़ किया है। और इस तरह से हमारा आज का ये जो भी डेकोर बनाया था उसका ये एक फाइनल रूप है। तो देखिए और बताइए किस तरह का आपका लगा। अगर आपको अच्छा लगे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये जो प्रोसेस है जो हमने न्यूज़पेपर से रेडी किया है तो किस तरह का आपको ये DIY लगा है। और अगर आप भी ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे, अगर आप बनाते हैं तो उसकी एक पेज मेरे इंस्टाग्राम हैंडल वर्क दिस वे पे ज़रूर शेयर करिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं हमारे और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइज़।